हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज़। वॉर 2 में ऋतिक के साथ नजर आएंगे जूनियर NTR। डायरेक्शन के लिए 32 करोड़ रुपए बतौर फीस लेंगे आयान। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया है खास प्लान। YRF की इस फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे टाइगर और पठान। साल 2019 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्मों में गिना जाता है। YRF के बैनर तले बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 475 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब मेकर्स ने इस फिल्म के सेकंड पार्ट की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा पठान के बाद वॉर को भी जबरदस्त तरीके से फिल्माना चाहते हैं। फिर चाहे फिल्म में एक्शन सीक्वेंस हो, शूटिंग लोकेशन हो या फिर फिल्म की कास्ट, इन सभी पॉइंट्स पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। बीते दिनों वॉर 2 के डायरेक्टर के नाम का भी ऐलान किया गया था। इस बार फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि आयान मुखर्जी कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि वॉर 2 की कमान संभालने के लिए वो 32 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज करेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वॉर 2 में आयान का साथ कुछ बड़े इंटरनेशनल टेक्नीशियंस भी देने वाले हैं। वहीं बात अगर फिल्म की कास्ट की करें तो मेकर्स ने इस बार कास्ट में भी बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट्स की माने तो वॉर 2 में इस बार जूनियर श्रॉफ की जगह साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR नजर आएंगे। वैसे भी RRR के ब्लॉकबस्टर होने के बाद जूनियर NTR की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में जूनियर NTR का फिल्म में होना वॉर 2 के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक और बात जो इस बार की वॉर को खास बना रही है वो है इस फिल्म में पठान और टाइगर की जोड़ी का नजर आना। जी हाँ, वॉर 2 में शाहरुख और सलमान कैमियो करते नजर आएंगे। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब बिग स्क्रीन पर ऋतिक, सलमान और शाहरुख एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कई तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वॉर 2 को 2024 की आखिर या फिर 2025 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म वॉर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस यूनिवर्स की शुरुआत साल 2012 में सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर से हुई थी। इसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है, 2019 में वॉर और 2023 में शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज हुई। वहीं आने वाले दिनों में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। क्रिश 4 को लेकर मेकर्स बना रहे हैं कुछ खास प्लान। टाइगर वर्सेस पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद फिल्म पर शुरू करेंगे काम। बॉलीवुड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने साल 2005 में आई फिल्म सलाम नमस्ते से अपने डायरेक्टरल करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तारा रंपम, अनजाना अनजानी और बचना है हसीनों जैसी पॉपुलर फिल्मों का डायरेक्शन किया। वहीं साल 2019 में आई फिल्म वॉर के डायरेक्शन के लिए सिद्धार्थ ने काफी वाहवाही लूटी। इसके बाद इसी साल रिलीज हुई फिल्म पठान का डायरेक्शन करके तो सिद्धार्थ आनंद बीटाउन के हॉटशॉट डायरेक्टर बन गए हैं। हाल ही में YRF ने टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया था। शाहरुख और सलमान खान स्टारर इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ही करने वाले हैं। इस बीच ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म से भी सिद्धार्थ आनंद का नाम जुड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स सिद्धार्थ से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत भी काफी आगे बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म की तैयारी शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों सिद्धार्थ आनंद फिल्म फाइटर पर काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फाइटर एक एरियल फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हैरतअंगेज हवाई एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। दोनों एक्टर इस फिल्म में इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं। ऋतिक और दीपिका के अलावा फाइटर में अनिल कपूर भी अहम किरदार निभाने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।
कैमरे के सामने रणबीर को किस करती दिखी आलिया। सोशल मीडिया यूजर्स बोले, सरेआम ये तुमने क्या किया। चौदह अप्रैल को बॉलीवुड के क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। अपने इस खास दिन ये कपल पेपराजीज से भी मुखातिब हुए और इस दौरान रालिया के कुछ ऐसे पल कैमरे में कैद हो गए जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि रणबीर और आलिया कार में बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं वहां पर मौजूद फोटोग्राफर्स उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं। कार के अंदर बैठे रणबीर पेपराजी से हाथ भी मिलाते हैं। तभी आलिया रणबीर को उनके गाल पर किस कर देती है। फिर क्या था, कपल का यही मोमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जहां कुछ यूजर्स इनकी क्यूटनेस की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ इन्हें ट्रोल करने में लगे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो उस दौरान का है जब रणबीर और आलिया बांद्रा में बन रहे अपने नए घर का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कपल कैजुअल लुक में नजर आए। नो मेकअप लुक में आलिया काफी खूबसूरत लग रही थी, वही रणबीर भी बियर्ड लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे। इससे पहले आलिया ने एनिवर्सरी पर रणबीर के साथ कुछ खास पलों की फोटो भी शेयर की, जिसमें दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आए। इन खूबसूरत फोटोज को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, हैप्पी डे। कपल के इस हैप्पी डे की बात करें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पिछले साल 14 अप्रैल को शादी की। इस वेडिंग को काफी प्राइवेट रखा गया, जिसमें परिवार से जुड़े सदस्य और कुछ खास लोग ही शामिल हुए। वहीं पिछले साल नवंबर में रणबीर और आलिया पेरेंट्स भी बन चुके हैं। आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम राह कपूर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।